हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा घर का स्टैंड है जो मैंने रूम में इंडोर प्लांट के लिए बनाया है। देखें, ये 3 स्टैंड है और ऊपर मैंने बुद्धा भगवान को रखे हुए था। तो देखें, ये काफ़ी सारे गंदे हो गए थे तो मैंने इसमें एरिकेलिक पेंट थोड़ा सा करके देखी हूँ रात में, तो ये बहुत अच्छा सूख करके बहुत अच्छा वाइट वाइट हो गए। और देखिए पहले के कितने गंदे हैं, तो मैं इसे अब पूरा एरिकेलिक पेंट वाइट से इसे पेंट कर दूंगी। और पेंट करने के बाद आप देखेंगे ये कितना अच्छा, और देखें अभी अभी ही कितना अच्छा ही लग रहा है, एकदम फ्रेश फ्रेश वाइट वाइट। तो मैं इसमें पेंट करूंगी और ये मैं स्टैंड पर रखी हुई हूँ और ये भी गंदा हो गया है तो इसे भी मैं चेंज कर दूंगी। और देखें ये कितने खूबसूरत अभी कलर होने के बाद लग रहे हैं, तो मैं इसमें भी कलर करके फिर आपको दिखाऊंगी। और ये मैंने सिरेमिक पॉट रखा हुआ है नीचे 2nd स्टैंड पर, और 3rd स्टैंड पर भी मैंने सिरेमिक पॉट में ये प्लांट सिंगोनियम लगाया हुआ है, देखें। और इसमें मैंने 3 मनी प्लांट लगाया हुआ है, देखें बहुत खूबसूरत लगते हैं, दूर से देखें तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप लोग भी इंडोर प्लांट रखें, ये हवा को शुद्ध करता है और पॉजिटिव इसका एनर्जी आता है। सिंगोनियम भी ये ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में देता है, तो आप लोग भी इसे लगाएं। और मनी प्लांट का भी वही है, मनी प्लांट भी बहुत सारे ऑक्सीजन देते हैं और बहुत शुभ होते हैं घर में लगाना, और ये आराम से इंडोर सब चले जाते हैं। देखें तो मैं इसे पेंट करके फिर आपको फूल में दिखाऊंगी कि ये कैसा लग रहा है। हेलो फ्रेंड्स, तो इसके लिए देखें मैंने यहाँ इसे ले आया है टेबल पर, और इसके लिए मैंने ये ब्रश लिया है और ये मेरा वाइट कलर का एरिकेलिक पेंट है, देखें। और ये मैंने बाउल लिया है, इसी में मैं इसे डालूंगी। और ये मैंने मग में पानी लिया है ब्रश धोने के लिए, और देखें मैं अब इसे पेंट करने जा रही हूँ। तो पेंट करके मैं फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने इसमें पानी नहीं मिलाया है, नहीं मिलाऊंगी, मैं इसे सिंपल ही पेंट करूँगी। ये खुल नहीं रहा है एक हाथ से, ये वाइट कलर का है, ये मैंने करके थोड़ा देखा भी है, तो मैं इसे फुल पेंट करके फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से आप पुराने जो आपके बुद्धा भगवान है उसे आप पेंट कर सकते हैं, जिस कलर में है उस कलर का ला करके पेंट कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, इसे मैंने फाइनल लुक दे दिया है, देखें ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम नया हो गया है। ये वाइट कलर है तो गंदा होता ही है, तो इसको इसी तरह से पेंट कर दिया करें, और देखें ये अब एकदम न्यू हो गया। और अब ये गार्डन का शोभा बहुत अच्छा बढ़ाएगा, और घर में भी आप इसे रख सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं। बुद्ध भगवान जो होते हैं बहुत शुभ होते हैं, घर में रखना शांति का प्रतीक है, मन शांत होता है इससे। तो आप लोग भी यदि आपके घर में पुराने हो गए हैं बुद्ध भगवान, तो उन्हें फिर से नया करने का ये देखें, इसे पेंट कर दें और ये फिर नया हो जाएंगे। और अब जब ये सूख जाएंगे, 24 घंटा इसे लगेंगे सूखने में, जब ये सूख जाएंगे तो मैं फिर उसे उसी स्टैंड पर रख दूँगी। तो बहुत अच्छे लगते हैं, और ये मेरे कॉर्नर में है, देखें सोफा के कॉर्नर में ये स्टैंड है, और ये बहुत अच्छे लगते हैं यहाँ पे रहते हैं। तो मैं इसे बाहर गार्डन में भी कभी कभी रख देती हूँ, अभी बारिश का मौसम है तो मैं इसे अंदर रखी हुई हूँ, और आप इसे कहीं भी रख सकते हैं, अंदर भी रख सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये देखें मैंने इसे अब सजा दिया है, और ये इसे स्टैंड पर रख करके मैंने इसे देखें, अब ये कितने अच्छे लग रहे हैं, देखें बहुत दूर से देखें तो ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, देखें। और ये देखें कितने एकदम नए नए लग रहे हैं और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं,
ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो मैंने सोची कि मैं इसे आपको दिखाऊं कि आप लोग भी यदि आपके बुद्धा जी या कोई भी मूर्ति आपके पुराने हो गए हैं तो आप उसे एक्रेलिक पेंट से पेंट कर सकते हैं और इस तरह से आप उसे नया लुक दे सकते हैं फ्रेंड्स। तो मेरा वीडियो यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें फ्रेंड्स। थैंक यू।